टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर रोहित ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, बने ऐसे खिलाड़ी। नमस्कार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पारी की शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में टॉप 10 में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और क्रिकेट से संन्यास ले चुके गौतम गंभीर ये उपलब्धि पा चुके हैं। रोहित शर्मा ने रांची में तीसरे टेस्ट में 212 रन की धमाकेदार पारी खेली और 12वें स्थान की लंबी छलांग लगाकर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 10वें स्थान पर आ गए हैं। अजिंक्य रहाणे अपने क्रिकेट करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर पहुंचे हैं। वह टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बाद तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। मयंक अग्रवाल 18वें स्थान पर हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रोहित शर्मा श्रीखला से पहले 44वें स्थान में हैं। वह वनडे में फरवरी 2018 में आईसीसी रैंकिंग में दूसरे और टी20 में नवंबर 2018 में 7वें स्थान पर आए थे। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तीनों रूपों में नंबर 1 रह चुके हैं। वहीं गौतम गंभीर टेस्ट और टी20 में शीर्ष और वनडे में 8वें स्थान पर रह चुके हैं। भारतीय टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और उमेश यादव 14वें और 21वें स्थान पर आए हैं।